हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इससे पहले दो वीडियो थे हीट और वर्क के बारे में, आप उसको देख लें, फिर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डिटेल के साथ आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनामिक्स का जो है ना वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सिंपल डिफिनेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने 7th से लेके 2nd ईयर तक ये पढ़ा होगा कि एनर्जी विल बी नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो लॉ आप यहाँ पे किस पे चीज पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर प्रोसीड हो रहा है तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे ओबे होगा। जो भी सिस्टम हो रिएक्शन कर रहा है तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी ओबे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वो हमारे पास है Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, बुक्स में कैसा लिखा होगा ये हमारे पास डेल, यहाँ पे इसके साथ भी डेल। डेल का क्या मतलब है, स्मॉल चेंज। कोई भी सिस्टम में अगर स्मॉल चेंज आ रहा है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे। कभी कभी यहाँ पे ये इक्वेशन इसी तरह भी दिखाई देगा, डेल डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। डी का क्या मतलब है, डेल का क्या मतलब है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि दिस इज द वेरी वेरी स्मॉल चेंज एंड दिस इज द स्मॉल चेंज विच इज स्मॉलर देन डी। जो बहुत छोटा चेंज होता है उसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और जो डेल है उसको हम किस चीज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो अलामत है वो ये है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई क्वेश्चन करे के फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स को सिर्फ वन वर्ड में एक्सप्लेन करो तो आप उसको सिंपल कैसे देंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे वर्क डन के ऊपर भी वीडियो बनी है और हीट के ऊपर भी वीडियो बनी है। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसको एक्सप्लेन करेंगे, इंटरनल एनर्जी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी है, क्या है टोटल एनर्जी, वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से होता है। कोई भी मॉलिक्यूल मोशन में है उसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जो भी मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल फील्ड के बेस पे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी आप लगा सकते हैं। जो भी एनर्जी किसी फील्ड की जगह से हो, किसी फील्ड की वजह से हो, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन क्या है, कोई भी एनर्जी एनी एनर्जी ड्यू टू पोजिशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन थर्मोडायनामिक्स अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे किसी भी फील्ड की वजह से जो एनर्जी हो मॉलिक्यूल की उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, जो इंटरनल एनर्जी है हमारे पास वो क्या होगा, वो या मॉलिक्यूल की वजह से होगा, या एटम की वजह से होगा, या आयन की वजह से होगा। इन तीनों चीजों की वजह से क्या होगा, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी यहाँ पे पॉसिबल है। तो आपके जहन में यह होना चाहिए कि जहां पर भी मास हो वहां पे इंटरनल एनर्जी जरूरी होगी। अगर मास है तो इंटरनल एनर्जी होगी, अगर मास नहीं है तो इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। तो यहां पे जो हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी वो हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जो हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स को, यहाँ पे हम दो क्वांटिटी लेंगे, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी लेंगे, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल के साथ जो इंटरनल एनर्जी है उसके बारे में अगर हम जाएं तो उसका जो फार्मूला है हमारे पास वो कैसा होगा। फॉर एग्जांपल जो उसका कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका फार्मूला है आई ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस बॉन्डिंग एनर्जी।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अदर एनर्जी भी आ सकती है, लेकिन हमारा काम किस चीज पे है केमिस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे है। जो किसी भी मॉलिक्यूल की लीनियर मोशन की वजह से हो उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जो भी मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल लीनियर मोशन कर रहा है अपनी जगह पे, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को तब्दील हो रहा है, तो उस किस्म की काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। जो मॉलिक्यूल अपनी जगह पे बैक एंड फ्रो मोशन कर रहा है उस किस्म की काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी। एक मॉलिक्यूल है अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। पोटेंशियल एनर्जी की बात हमने की के द एनर्जी ड्यू टू फील्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके दरमियान जो अट्रैक्शन पैदा हो जाता है और इसके दरमियान जो अट्रैक्शन पैदा हो जाता है और ये आपस में बाइंड हो जाते हैं, इस एनर्जी को क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ये एनर्जी हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे थर्मोडायनामिक जो केमिस्ट्री के बेस पे हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी कब बराबर होगी, जब कोई भी मॉलिक्यूल रेस्ट में हो। जब रेस्ट में हो उसका काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा और क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा, उसका पोजीशन फील्ड उस पे अप्लाई नहीं होगा। तो टोटल एनर्जी किसकी चीज के बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। सो दिस इज द मेन थिंग, मेन टर्म अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने हीट को भी एक्सप्लेन कर दिया, हमने इंटरनल एनर्जी को भी एक्सप्लेन किया और हमने वर्क को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एनर्जी यहाँ पे लिख ले, छोटा सा टॉपिक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख लो, नोट कि जो इंटरनल एनर्जी है वी कैन नॉट डिटरमाइन इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली। कोई मॉलिक्यूल मोशन में हो, जो भी सिस्टम में हो, आप उसका एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब क्या है, उसका जरूरत भी नहीं है। अगर आप इंटरनल एनर्जी को मालूम करेंगे तो आपने एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए कर दिया, इंडिविजुअलिटी, जिसको इंस्टेंटेनियस इंटरनल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कि आप किसी भी सिस्टम में यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी सिस्टम में थर्मोडायनामिक्स में डेल यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जो भी आपसे कहे कि यहाँ पे आप इंटरनल एनर्जी को मालूम करो, ये उसका क्वेश्चन क्या है, गलत है। आप क्या मालूम करेंगे, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, यहाँ पे मैं पढ़ लूंगा, ये फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स यू, क्या मतलब इसका कि अमाउंट ऑफ मैटर पे क्या कर देता है, ये डिपेंड कर देता है, अमाउंट ऑफ मैटर पे ये डिपेंड कर देता है। फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ मैटर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन एमसीक्यूज आ जाए यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्सटेंसिव को पुट आउट करेंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर अगर आप इंक्रीज करें तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगा, इफेक्ट होगा, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सेकंड ऑप्शन इज स्टेट फंक्शन। व्हाट इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन आर दोस क्वांटिटी व्हिच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन, डिपेंड अपॉन इनिशियल प्लस फाइनल कंसंट्रेशन। कोई भी सिस्टम जा रहा है उसने तकरीबन 7-8-9 एनी स्टेप उसने कवर कर दिया। आप किस पे कंसंट्रेट करेंगे, उसका जो फर्स्ट स्टेप है तो उसका जो लास्ट स्टेप है उस पे कंसंट्रेट करेंगे, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। स्टेट फंक्शन के अगर एग्जांपल है प्रेशर, टेम्परेचर, मोल, एंथाल्पी एटसेट्रा, ये जो पॉइंट्स है ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है और पाथ डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे वर्क की बात करें तो वर्क जो है ना और हीट वो हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता है कि ये जो सिस्टम है कौन से रास्ते से गुजरा है, उस रास्ते पे हीट और वर्क डिपेंड करता है, और जो उसका फाइनल और इनिशियल स्टेज है उस पे स्टेट फंक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज साइक्लिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख देता हूं, एक सिस्टम है
वन पॉइंट से गया सेकंड पॉइंट पे, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, और फोर्थ से फिर वन पे। ये क्या आप दिखाई दे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो इंटरनल एनर्जी जो है ना, ये सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे डेल यू जो है ना, वह हमारे पास क्या होगा, हमेशा के लिए जो साइक्लिक प्रोसेस है और रिवर्सेबल प्रोसेस है, उसमें इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो के बराबर होगा। अब दिस इज द मोस्ट मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ये पॉइंट अपने ध्यान में रखें। फिजिक्स में वर्क का डिफिनेशन है एफ डॉट डी। अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, उस पर फोर्स अप्लाई हो जाए, तो वो वर्क डन के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया और इनिशियल पॉइंट पे, तो फिजिक्स के बेस पे इसमें वर्क क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसमें कभी कंफ्यूज ना हो कि थर्मोडायनामिक्स में इसमें भी वर्क जीरो के बराबर होगा। वर्क का डिफिनेशन थर्मोडायनामिक्स में हम कैसे करते हैं कि प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, उसके साथ वॉल्यूम चेंज होगा, और उसमें ये कंडीशन है कि ये पाथ पे डिपेंड कर देता है। यहाँ पे ना ये इनिशियल पे डिपेंड करता है, ना डिस्टेंस पे डिपेंड कर देता है। ये जो उसने पाथ कवर कर लिया, दिस इज द होल अमाउंट ऑफ वर्क। तो थर्मोडायनामिक्स में वर्क हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में मैक्सिमम होगा, और जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होगा। इसमें कभी कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क विल बी जीरो। तो अब इसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स का जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है, उसकी तरफ हम आ जाते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का जो मेन इक्वेशन है वो कैसा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो मेन इक्वेशन है, वो हमारे पास क्या है, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे डेल लगाओ, यहाँ पे डेल लगाओ, तो प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेल क्यू माइनस डेल यू। क्या है इसका मतलब, कि वर्क विल बी पॉजिटिव और जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, यहां पे गैस है, यहां पे गैस है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपेंड हो गया, हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो यहां पे U1, यहां पे क्या होगा, U2, ठीक है। तो ये जब एक्सपेंड हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में क्या आ जाएगी, डिक्रीज आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। अगर कोई सिस्टम में एक्सपेंशन आ रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो उस जगह पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब क्या है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा और इंटरनल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है यहाँ पे जिसके अंदर गैस है, वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो इसमें यहाँ पे U1, U2, ठीक है। तो U1 जो है ना उसके इनिशियल है, और ये जो है ना इसके फाइनल है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो गया, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके लिए इक्वेशन हम बना लेंगे कि U del U is equal to Q minus W, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वर्क है उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। So this is the main equation and the main statements of the first law of thermodynamics, कि thermodynamics को हम कैसे find out करते हैं। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि for example del U जो है ना वो हमारे पास किस चीज के बराबर है, kinetic energy plus potential energy, ये क्या है उसका formula है। यहाँ पे Q जो है ना, Q का formula क्या है हमारे पास, n c del T, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, मोल है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पे आप मोल करेंगे, मोल यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे सी जो है ना, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो सी पी लगाएंगे, और अगर यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो यहाँ पे सी वी लगाएंगे। और जो टेम्परेचर है डेल टी, वो हमारे पास टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ T2 minus T1. For example, एक सिस्टम 25 सेंटीग्रेड से चेंज हो चुका है 10 सेंटीग्रेड को, या 25 से 50 हो गया है, तो यहाँ पे T2 minus T1, ठीक है। और जो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, P del V। अब ये फिजिक्स वाला वर्क नहीं है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो ये वर्क है,
और अगर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया तो ये वर्क टर्न नहीं है। तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ और वॉल्यूम में चेंज आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ये पाथ डिपेंडेंट है, क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। और वर्क के ऊपर एक वैल्यू बनी है, आप उसको जरूर देखें तो आपको ये सारा पॉइंट जो एक्सपेंशन है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, उसमें आप डिटेल के साथ उसको पता चल जाएगा। सो दिस इज द मेन इक्वेशन व्हेन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज एंड वर्क विल बी नेगेटिव, एंड दिस इज द मेन इक्वेशन व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, सिस्टम एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो सिस्टम कंप्रेशन की तरफ जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना, उसका जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, कार्नाट इंजन। क्या है, कार्नाट इंजन है। यहां पे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी विल बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यहां पे क्या मतलब है, अब ये तो आम जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, एनर्जी तो लाजमी मस्ट विल बी लॉस्ट इन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम प्रोसीड हो रहा है तो उसमें एनर्जी लॉस होगा। वहां पे जो लॉस का फेनोमेना है कि एनर्जी कैसे लॉस होगा, वो हमारा टॉपिक होगा एंट्रोपी टॉपिक। यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मेन एप्लीकेशन है वो है हमारे पास क्या, कार्नाट इंजन, जो थ्योरेटिकल है। क्या है, थ्योरेटिकल इंजन है, इसका प्रैक्टिकल वजूद अभी तक नहीं आया है। लेकिन इसी बेस पे जो डीजल इंजन है रुडोल्फ ने किस किया था, डिस्कवर किया था, और जो पेट्रोल इंजन है निकोलस ने जिसको डिस्कवर किया था, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेस पे बना गया था, लेकिन कार्नाट इंजन की अभी तक वजूद नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखना,